बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में, और मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज मैं कुछ उपाय नहीं बताऊंगी, आज मैं बताऊंगी ऐसा क्या करें जन्माष्टमी के दिन जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए जातक के ऊपर, किसी के भी ऊपर। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, एक एक करके सुन लीजिएगा। सबसे पहले चांदी की बांसुरी। इस दिन चांदी की बांसुरी लाकर, बांसुरी चांदी के छोटे छोटे आपको हर जगह ज्वेलरी की शॉप में आपको मिल जाएगा, ऐसे चांदी की बांसुरी ला के आपको कान्हा को चढ़ाना चाहिए, और बाद में पूजन संपूर्ण होने के बाद इसे अपने पर्स में और या फिर आपके जहाँ पैसे रखते हैं उस जगह पे इस चांदी की बांसुरी को रखनी चाहिए। इससे बरकत होती है, भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा मक्खन मिश्री का भोग, जन्माष्टमी के दिन मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर एक साल की छोटे बच्चों को, या छोटे बच्चा हो बच्चियां हो उन लोगों, ऐसे बच्चा छोटे एक साल के छोटे बच्चों को आप चटा सकते हैं अपनी उंगली से, इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा झूला के बारे में हम बात करते हैं। इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लाकर उसमें कान्हा जी को बैठाए, अपने घर में सुंदर से झूला लाकर अपने जो अपने मंदिर है घर के मंदिर में भी आप रख सकते हैं। इससे कान्हा जी को उस झूले में फूल लगाकर उस झूले में चढ़ाए बैठाए, इससे भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा राखी, कान्हा जी और बलराम जी को राखी बांधे जन्माष्टमी के दिन, इससे भी भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी के लिए हम बात करते हैं, कान्हा के पूजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। हर भोग में भगवान कृष्ण की भोग में तुलसी जी को अर्पण जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शंख, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का शंख में दूध डालकर भगवान कृष्ण को अभिषेक करने से भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा फल और अनाज, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज का दान करें, ऐसे करने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गाय और बछड़े के हम बात करते हैं। इस दिन छोटे गाय बछड़े की नन्ही प्रतिमा, जैसे आप कोई भी छोटे छोटे गाय और बछड़ा, गाय के साथ बछड़ा आप अपने घर पे ला के रख सकते हैं। इससे जो है आपके धन संबंधित कोई भी परेशानी है वो चिंताएं हैं वो तो दूर होगा ही, भगवान कृष्ण भी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा मोर पंख, हम अगर मोर पंख की बात करते हैं, सभी लोग हम जानते हैं श्री मोर पंख श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अतः जन्माष्टमी के दिन घर में मोर पंख रखिए। बस भगवान श्री कृष्ण की पूजा के समय भगवान कृष्ण जी के पास मोर पंख जरूर आप रखें, इससे जन्माष्टमी के पूजा जो है वो संपन्न होगा अच्छे से और भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा एक और उपाय बताऊंगी, पारिजात की फूल, भगवान कृष्ण को पारिजात की, हर श्रृंगार की, और इसको पारिजात की फूल को शिफाली की फूल भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे फूल। इस फूल से भगवान कृष्ण की पूजा करने से फूल माला, अगर भगवान कृष्ण को आप पारिजात की फूल की माला अगर आप चढ़ाएंगे, इससे भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी की माला अगर साथ ही आप चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए आज तो इतना ही, फिर ऐसे ही और भी पूजा पाठ टोटके उपाय बहुत सारे लेकर मैं आऊँगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।